हेलो एवरी वन नाउ लेट अस सी दॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एनालिस ऑफ लैडर नेटवर्क द नेम ऑफ दैडर नेटवर्क ओके अभी लैडर नेटवर्क किसको बोलते हैं तो इफ वन सेक्शन ऑफ नेटवर्क रिपीटेड अगेन एंड अगेन such type of network is called as ladder network फॉर एग्जाम्पल यहां पर इंडक्टर कैपेसिटर है वन हेड्री वन फेरड का कैपेसिटर, ये एक एलसी नेटवर्क हो गया ये ऐसा एलसी नेटवर्क आगे भी आप लोगों रिपीट हुआ लगे, दिखेगा वन एल सेक्शन अनादर एलसी सेक्शन थर्ड एल सेक्शन फोर्थ एलसी सेक्शन अगर ये ऐसा कैसकेट में कनेक्ट किया हुआ है तो इट इज वीक वर्डर है लैडर नेटवर्क ओके सो इफ वन सेक्शन ऑफ द सर्किट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन दर्किट सच टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज लैडर नेटवर्क ओके ये लैडर नेटवर्क का एनालिसिस हम लोग करना है एनालिसिस करना मतलब क्या है कि वेरियस नेटवर्क फंक्शन उसका ऑफटेंड करना है वेरियस नेटवर्क आप को इस पर से उसका फाइंड आउट करना है तो लैडर एनालिसिस में पहले सर्किट दिया रहेगा फॉर एग्जाम्पल नाउ फाइंड नेटवर्क फंक्शन v1 वन अपॉन आई वन वी टू अपॉन वी वन एंड वी टू अपॉन आई वन फॉर दी नेटवर्क शोन बिलो तो ये जो नेटवर्क है उसका ये तीन रेशियो ऑफटेंड करना है आप लोगों को के okay. तो ये लैडर एनालिसिस में जब तक तो लोड कोई कनेक्ट नहीं है यहां पे तब तक वी हैव टू एजूम आई टू जीरो ये तो प्रॉब्लम में भी दिया रहेगा और नहीं दिया रहेगा तो भी आप लोग को एजूम करना है कि आउटपुट करंट आई टू इज जीरो ओके सो जब तक तो यहां पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है आउटपुट साइड में अजूम आई टू इज इक्वल टू जीरो दिस इज द फर्स्ट एजम्स यू हैव टू मेक इन लैडर ओके

लैडर एनालिसिस करना है तो पहले आप लोगों हर एक नोड का वोल्टेज डिफाइन करना है ओके okay, तो इसमें दो नोड है अभी दिस एंड दिस ये नोड का वोल्टेज V2 है बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज V2 है और ये ब्रांच शॉर्ट होने की वजह से इधर का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी क्या रहेगा V2 ही रहेगा सो द वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज V2 टू विध रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओके तो ये नोड का वोल्टेज आपको पता है V2 है ये नोड का वोल्टेज प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है वोल्टेज एट दिस नोड एंड इज वी ए वी ए डिफाइन किया हम लोगों ने okay. Then, ऐसा हम लोगों ने हर एक नोड का वोल्टेज डिफाइन किया Then, हर एक ब्रांच का करंट वैसे ही डिफाइन करना है अभी ये ब्रांच का करंट आई वन है ये ब्रांच का करंट आप लोगों का अजूम करना है दैट इज आई ए ये ब्रांच का कारण आई बी ये ब्रांच का कारण आई सी ले सकते थे अगर आई टू जीरो नहीं है तो अभी इधर से आने वाला करण अगर जीरो है तो आई बी करंट जो है इसमें से ही जाएगा मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच का करंट क्या हुआ same हुआ सेम एंड दैट कर आई बी रखा उसको आईसी नहीं किया ओके okay, समझा आईसी क्यों नहीं किया आई बी रखा आई टू जीरो है इधर से आने वाला करंट जीरो है जिसकी वजह से यही करंट इसमें से फ्लो होगा एंड करंट फ्लोइंग टू दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच इज सेम एंड विल अज्यूम इट इज आई बी ओके अभी लैडर एनालिसिस में करते हो क्या करना है आप लोगो राइट right से स्टार्ट करना है नोड वोल्टेज ब्रांच करोड वोल्टेज ब्रांच करण ऐसा निकालते दे, निकालते दे, ये सारा वेरिएबल जो है आपको ऑफटेंड करना है इन टर्म्स ऑफ वी टू सारा वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ वी टू ऑफटेंड करना है ऑल वेरिएबल जितना वेरिएबल दिख रहा है आप लोगों वी टू दिख रहा है आई बी दिख रहा है देन आई बी दिख रहा है यहाँ पे आई ए दिख रहा है वी ए दिख रहा है आई वन दिख रहा है वी वन दिख रहा है ये सारा वेरिएबल आपको ऑफटेंड करना है इन टर्म्स ऑफ वी टू ओके एंड प्रोसीड कैसा करना है राइट टू लेफ्ट

ये ब्रांच का करंट मिल गया ये नोड का वोल्टेज वी टू है अभी आगे जा रहे हैं हम लोग ऐसा वी ए मिल रहा है आप लोगों को तो वी कैन फाइंड आउट वी ए हाउ विल यू फाइंड आउट वी ए तो वी ए निकालना है आप लोगों को तो वी ए विल बी ऑफ टेन लाइक दिस वी टू अभी जब आई बी करंट इसमें से फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस में इम्पेडेंस इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसका पॉजिटिव ये साइड रहेगा निगेटिव ये साइड रहेगा एंड देयरफॉर हम लोग अगर ऐसा प्रोसीड करते हैं तो वी टू प्लस एस इंटू आई बी सो वी ए इज नथिंग बट वी टू प्लस एस इंटू आई बी अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो वॉट यू हैव टू डू इज दैट कि आपको सिंपली ऐसा करना है कि ये ब्रांच का कारण आई बी कैसा आएगा आई बी इज इक्वल टू ओके वी ए माइनस वी टू अपॉन एस ओके इस पर से वी ए निकालना है आप लोग को तो इस पर से वी ए निकालना है तो कैसा आएगा एस आई बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी टू सो वी एज इक्वल टू एस आई बी प्लस वी टू ओके सो आप ऐसा कर सकते है कि वी कैन फाइंड आउटी आई बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी टू अपॉन एस एन उस पर निकाल सकते है ओके okay? तो दिस इज वी ए आपको मिल रहा है वी ए इज नथिंग बट वी टू और ऐसा प्रोसीड कर रहे हैं आप लोग तो ई एम प्लस है ये माइनस है सो वी टू प्लस एस इन टू आई बी इज अ ड्रॉप अक्रॉज इंडक्टर सो वी टू प्लस एस आई बी इज इक्वल टू वी ए सो वी ए इज इक्वल टू वी टू प्लस एस आई बी ओके फिर आप लोगो आई बी का वैल्यू पता है एस वी टू वो पुट किया I2 आई टू का वैल्यू आई बी का वैल्यू एस वी टू पुट किया एंड यू आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू एस एस आई बी एंड दिस इज इक्वल टू सॉरी दिस इज आई बी का वैल्यू जो है एस वी टू है सो दिस विल बिकम एस स्क्वायर प्लस वन वी टू Okay, and this is S square plus one v2. Okay. And therefore I then next is i. i is what it is. I is equal to va upon one by s. I is equal to VA upon one by s va. Again here we will substitute the value of V A. What is V a is the so V a is S square plus one into V2. Okay. So S square plus one into V2. So this is S square plus one into V2. ए का वैल्यू बुट किया यू अगेडिंग सॉरी वी ए का वैल्यू बुट किया एंड यू अगेडिंग आई इन टर्म्स ऑफ वी टू ओके आई इन टर्म्स ऑफ वी टू दिस इज क्यूब हो जाएगा अभी इट विल बी क्यूब ओके एंड देन आई वन इज इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी वंस यू गेट इज आई यू कैन फाइंड आउट डिस करेंट आई वन आई वन इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी सो आई वन इज इगोल टू आई ए प्लस आई बी ऑफ ट्रेन किया के सी एल लगा है यहां पर आई ए वन ये ब्रांच का कर आई ए इधर से जा रहा है इधर से आई बी जा रहा है सो यू अपलाई के सी एल एट दिस बी एर गेटिंग आई वन इज इगोल टू आई ए प्लस आई बी आई एंड आई बी हम लोगों ने पहले निकाला है तो उसका वैल्यू बुट किया इन टर्म्स ऑफ वी टू तो यू आर गेटिंग दी आई वन ओके एंड द लास्ट वन इज वी वन वी वन अगेन यू विल फाइंड आउट कि इसमें से जब आई वन जा रहा है तो ये प्लस है ये माइनस है तो दिस वी ए प्लस एस आई वन इज इक्वल टू वी वन और यू कैन फाइंड आउट आई वन ऐसा जैसा मैंने किया था आई वन इज इक्वल टू दी वी वन माइनस वी ए अपॉन एस देन एस आई वन इज इक्वल टू वी वन माइनस वी ए सो फ्रॉम दिस इज वॉट इज वी वन इज तो एस आई वन प्लस वी ए ऐसा वी वन का वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग सो वी वन इज इक्वल टू वी ए प्लस एस आई वन

V1 in terms of V2 निकाला. ये सारा वेरिएबल हम लोगों ने राइट टू लेफ्ट एनालिसिस करके सारा वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ V2 निकाला एंड देन बाद में फिर आपको जो चाहिए वो रेशियो ले सकते हैं V1 वन अपॉन आई वन सो वी वन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ V2, I1 वन इन टर्म्स ऑफ V2 टू विल बी यहाँ पे निकाला हम लोगों ने उसका रेशो लेना वी टू वी टू कैंसिल हो जाएगा विल तो गेट वी वन अपॉन आई वन रेशो देन वी टू अपॉन वी वन इस पर से डायरेक्टली मिलेगा आप लोगों को वी टू अपॉन वी वन वन अपॉन एस क्यूब थ्री एस प्लस वन देन वी टू अपॉन आई वन सो वी टू मतलब वी टू ही रहेगा यहाँ पे वी टू अपॉन आई वन मतलब आई वन के इक्वेशन से मिलेगा यहाँ पे वी टू अपॉन आई वन निकालते तो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस लाइक दिस तो ऐसा हम लोग वी कैन फाइंड आउट दी यूजिंग लैडर अनालिस वी कैन फाइंड आउट दी वेरियस नेटवर्क फंक्शन बाय डूइंग दी राइट टू लेफ्ट अनालिस थैंक यू